सबकी सब एक जगह तैनात होकर के मोर्चा संभाले हुए हैं वहां पर। वो कितना भी कर लें, लेकिन ना आदिवासी उनके साथ जाने वाले हैं, ना किसान उनके साथ जाने वाले हैं, ना युवा उनके साथ जाने वाले हैं, ना महिला जाने वाले हैं। कल शाम को दस्तखत नहीं हो पाए हैं जी, राज्यपाल से भी मिले हैं। पल जी ने जो बात कही थी और मीडिया के सामने ही बात कही थी, या तो अध्यादेश लिया या फिर विशेष सत्र बुलाया। आदिवासी समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि इससे अध्यादेश लाने के बजाय विधानसभा में इसको विशेष सत्र बुला के चर्चा होनी चाहिए, और उनके भावनाओं के अनुरूप हमने विधानसभा सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुलाया, और उसमें चर्चा हुई। कल 11 बजे से लेकर 8 बजे रात तक के लगातार चर्चा हुई, जबकि लंच ब्रेक भी नहीं हुआ था। और सारे वर्ग के जो जो प्रावधान हैं, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, EWS के लिए, वो सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। अब राज्यपाल जी से अपेक्षा कीजिए, उन्होंने जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने भावना व्यक्त की, और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल जी उसमें विलंब नहीं करेंगे और उसमें हस्ताक्षर होगा। हमने प्रस्ताव कर दिया, वो देखिए कल विधानसभा के सत्र अवसान के बाद हमारे सारे सीनियर मिनिस्टर उनके पास गए और फाइल हाथों हाथ दिए, किसी के माध्यम से भेजे नहीं। तो हम तो इतनी इसकी गंभीरता समझ रहे हैं, और पूरे जो लोगों की भावना है उनके अनुरूप काम किए, सत्र बुलाए, सत्र आहूत हुआ, चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसको पारित किए, 29 पारित हुआ और उसके राजभवन भेज दिए। अब राजभवन से कब हस्ताक्षर को आ गया वो देखने की बात है। विपक्ष कल भी आरोप लगा रहा था कि आरक्षण और केवल भानु प्रताप को उपचुनाव के लिए लाया गया, आज फिर नारायण चंद्र जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरीके। देखिए मानसिक दिवालियेपन, एक उपचुनाव से क्या फर्क पड़ना है, ये पूरे प्रदेश की जनता का मामला है। चुनाव तो होते रहेंगे, ये तो उपचुनाव है, आम चुनाव भी होंगे, लेकिन ये जो काम हुआ कल वो मील का पत्थर है। जो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा उसका ये रोड मैप है कि हम सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तो उस भावना के अनुरूप ही काम हुआ है। ये चुनाव से उपचुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए, ये एक्चुअल में वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, तो अपने फेस सेविंग के लिए बात कर रहे हैं, ताकि जब रिजल्ट आए तो अपने आला कमान को बता सके कि हम लोग इस कारण से हारे हैं। तो वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो ऐसी हार रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी ने कहा है वो जय सियाराम बोलते हैं।